from National Conference. बहुत शुक्रिया जनाब. जनाब अभी हमने कुछ दिन पहले हमने अपना 74वां यौम जमहूरिया मनाया. जनाब सारे मुल्क में जो हमारे डोंट क्रॉस द स्पीकर, दिस इज नॉट गुड. जनाब सारे मुल्क में जो हमारे पुलिस के, आर्मी के, सीआरपीएफ के बैंड थे, वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस धुन पर वो धुन बजाते रहे सारे मुल्क में. इसे ये डॉक्टर इकबाल का लिखी हुई नज्म है और इसका अनुवाद है तराने हिंद. जब उसी शायर ने एक दुआ भी लिखी और उस दुआ में हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत. एक स्टेंजा उसमें है, मेरे अल्लाह हर बुराई से मचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पर चलाना मुझको. जनाब ये प्रेयर पढ़ने पर बरेली में एक उस्ताद को, वजीरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसी शायर की, जिस शायर पर सारे मुल्क में हमारी सारी पुलिस और आर्मी की जो बैंड है वो धुन बजा, उस वो धुन इस्तेमाल की जाती है, उसको उस उन स्टूडेंट्स के सामने गिरफ्तार किया सिर्फ ये कहने पर, क्योंकि उस एक स्टंजा में था मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, तो ये अल्लाह नाम क्यों है, इस पर बच्चों के सामने उसको गिरफ्तार किया गया और उसको नौकरी से बरतरफ किया गया. जनाब मुल्क किस दिशा में जा रहा है, किस सिमत में जा रहा है, क्यों एक कम्युनिटी को हाशिए पर किया जा रहा है. वो जब आपने एक टापू का नाम हवालदार अब्दुल हमीद के नाम पर रखा प्रधानमंत्री ने, उसका क्या फायदा है. जब रजीउद्दीन को आपने गिरफ्तार किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां उस स्टंजा में मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको वो बच्चों ने गाया, अल्लाह क्यों है. और आप भूल गए कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सहमति दे भगवान, ये तो गांधी जी की प्रार्थना में जो सभा होती थी वहां पर गाया जाता था. तो जनाब अगर ये सरकार है, जिस सरकार ने महज अल्लाह के नाम पर, तो कहां वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो बात कहां है. अब देखिए कैसे जो सोशल फैब्रिक है मुल्क का, कैसे एक 20 करोड़ की कम्युनिटी को हाशिए पर की जा रहा है, वो आसाम हो कोई व्यवस्था नहीं, 2000 लोगों को आप गिरफ्तार कीजिए, उनकी फैमिली को छोड़ दीजिए, कोई व्यवस्था नहीं है. तो जनाब ये आप देखिए जनाब विफाकी निज़ाम केशवानंद भारती में, जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरलिज्म हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. अब देखिए हमारे गवर्नर कुछ सूबों में कैसे, स्टेट्स में कैसे व्यवहार करते हैं, दर्जनों बिलें हैं जिन पर दस्तखत नहीं किया जाता, जिनको अप्रूव नहीं किया जाता, कहीं पर सुझाव दिया जाता है कि वो स्टेट का नाम ही बदल दें. तो जनाब बात यह है कि एक कोई कारण नहीं बनता है कि हम इस तहरीक में शामिल हो जाए. अब जनाब जम्मू कश्मीर की बात, उसकी जिक्र की है सदर जमहूरिया ने. अब जनाब 5 अगस्त 2019 को आइन को रोंद कर, आइन को दरकिनार करके जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन खत्म की गई और फिर आइन को नजरअंदाज करके उसके दो हिस्से किए गए. और आज तक यह मुल्क जो कह रहा है कि हम जी ये सबसे बड़ी जमहूरत है, 8 साल से कोई इलेक्शन नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, एक ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी अफसर शाही चला रही है एक स्टेट को. तो जनाब क्या कारण है इस शुक्रिया की तहरीक में शामिल होने का. तो जनाब आजकल आज की बात देखिए, अब उस दिन क्या हुआ, 16,000 लोगों को जेल दिया, गिरफ्तार किया गया और आज भी कई एक नौजवान है जो रायबरेली में, अम्बेडकर नगर में, आगरा की जुलूम में कश्मीर से आए हुए और मजहबी रहनुमा है, वो दुशी दाऊदी हूँ या मौलाना वीर हूँ, ऐसे कई एक जो मजहबी रहनुमा है वो जेलों में है 300, 400, 500 किलोमीटर दूर. अब जनाब आजकल नई बात हुई है, आजकल जम्मू कश्मीर में बिल्डोजर राज चल रहा है. जनाब हर सुबह कई एक बिल्डोजर हर बस्ती में जाते हैं और बस्ती में तजावजात खत्म करने के नाम पर छोटी छोटी गरीब घरों को बिस्मार कर रहे हैं. अब जनाब माजूर नगर हो, पातशाही बाग हो, जनाब उसन हो, जनाब अभी जो कठवा वाली बस्ती हो, तो जनाब हर जगह आज एक बुलडोजर राज. और ऐसा लगता है कि जैसे ये भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, बल्कि ये कहीं पर वेस्ट बैंक या कहीं और मुल्क कोई है जहां पर ये प्रोग्राम चला रहे जा रहे हैं. जनाब जो हमारा मुल्क है वो रूल ऑफ लॉ यहाँ पर है, यहाँ पर कानून की अमलदारी है, कानून की कोई अमलदारी ही नहीं. अब जनाब दिल्ली में हमने, इसी सरकार ने 1700 बस्तियाँ रेगुलराइज की,
और वहां पर घर के घर मुस्मार किए जा रहे हैं इस नाम पर कि ये जी सरकारी जमीन में 5-2000 फुट की 1000 फुट की 1200 फुट की जमीन पर। तो जनाब सरकार ने खुद बिठाए और सरकार ने बिठाए थे मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत। अब जनाब यहाँ पर बॉम्बे हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, आबादी नसब बॉम्बे जनाब सरकारी जमीन पर है, गुजरात 35% सरकारी जमीन पर है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अलग से एक कानून है। जम्मू कश्मीर को माना नहीं जाता कि जो मुल्क का हिस्सा है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक अफसरशाही से एक बिल्कुल एक ऐसे ऐसे जुल्म सितम है जो जुल्म सितम का कोई भरोसा कोई हिसाब ही नहीं है। अब जनाब नहीं कोई नोटिस है, नहीं उनको अपना पक्ष रखने की कोई मौका दिया जाता है। तो जनाब ये नई एक होगी। अब जनाब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ सब नॉर्मल है, अभी देखे इसी जनवरी में जनाब पहले जनवरी के पहले दिन ही जनाब कितना एक राजौरी में कितना एक हमला हुआ और कितने सिविलियंस हुए। उसके अलावा जनाब ये पिछले जब से 2019 का मामला हुआ जनाब तकरीबन 600 के करीब आर्मड जो है वो कन्फ्रंटेशन हो गई और आर्मड जो है वो आपस में जो गोलाबारी हुई और जनाब 600 के से ज़्यादा जो सिविलियंस है वो मारे गए और जनाब तकरीबन उसका नसब जो सिक्योरिटी फोर्स है वो अपनी जान से हाथ खोल। तो ये मामला थे महज एक 40 या 30 आप करेंगे कल्चरल इवेंट्स 30 स्पोर्ट्स इवेंट्स उससे नॉर्मल सी होती नहीं। अगर नॉर्मल सी होती तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं किए जा रहे हैं? तो 1.25 करोड़ लोगों को क्यों आप महरूम कर रहे हैं? 1.25 करोड़ लोगों को क्यों महरूम कर रहे हैं कि उनका जो हक है? आप कह रहे हैं डांस ऑफ डेमोक्रेसी, आप कहें ये जमहूरियत का नाच है। तो अगर सारे मुल्क के लिए जमहूरियत है तो वहाँ जम्मू कश्मीर के लिए आप जमहूरियत को क्यों नकार रहे हैं? और जमहूरियत के जम्मू कश्मीर के लिए आप नई एक पॉलिसी की है जिस पॉलिसी से वो आती है कि एक कम्युनिटी को बांटा जा रहा है, एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक खास रीजन को टारगेट किया जा रहा है। जनाब इसके असरात मुल्क के लिए ठीक नहीं है। जब तक कि आप जनाब इसको रिवर्स नहीं करेंगे जनाब मुल्क के लिए ये ठीक नहीं होंगे। जनाब 125 करोड़ की आबादी में आप डेमोग्राफी का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर 1 करोड़ के करीब आबादी एक कम्युनिटी से हो, तो जनाब ये सारा मामला है। तो इस मामले में जनाब आप जनाब देखिए तरक्की की बात जो सब अब आप जनाब इस साल 66% PMAY में जब नो प्लीज जब इस नॉट यील्डिंग जब आज वो यील्ड नहीं कर रहे आप बैठे जब आज बैठे नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मसूदी जी। आज जनाब आज की तारीख में जनाब इस साल के बजट जब इस साल के बजट में 66% ज्यादा हो गई, बढ़ोतरी हो गई PMAY में। 1 करोड़ घर बनाने का प्रोग्राम है। जब अभी हैदराबाद जब यह कैसी बात है कि जहां प्राइम मिनिस्टर वादा कर रहे हैं कि हर सर पर एक छत हो और वहां पर जो छत मौजूद है उस छत गिराई जा रही है, यह कैसा अंतर है? जब अभी हैदराबाद में हमने देखा एक लाख घर बनाए गए हैं, दो रूम के फ्लैट्स पर जो गरीबों को बगैर किसी कंट्रीब्यूशन के दिए जाएंगे हैदराबाद में। अब कंट्रोल करो, जो सर मौजूद है वो सर विदुरी जी बैठे प्लीज। यहाँ पर जो छत मौजूद है वो छत गिराए जा रहे हैं। जब बात यह है छत तो जनाब अब जो तरक्की की बात है जहाँ 50% कम लोगों को दो मिनट हो जाए जनाब मेरा मुतालबा होगा प्लीज ये जो डिमोल्यूशन ड्राइव है ये फौरन बंद की जाए। मेरी यहाँ सर टीवी तो फौरन बंद की जाए और वन सेकंड वेट करो ना यू प्लीज बी सीटेड ना सी नाउ इट्स ऑलरेडी 6 ए बिदुरी जी प्लीज now already 6 there is a long list of speakers so we seek the opinion of the house to extend the house up to 9 o'clock. If the house agrees we will extend the time up to 9 o'clock. Yes, house is extended up to 9 o'clock. Please conclude within 2 seconds. Haan, do teen sentence jinab jo yahan par jo bhi ambitious programs hai कहीं पर कोई अमल नहीं है। जब 50% से कम लोगों के लिए पीने का साफ पानी है, जब हेल्थ केयर में मैन पावर का इशू है, वो कोई कहानी नहीं जो नॉर्मल सी कहानी बना रहे हैं। और दूसरी बात एक बड़ी नई चीज़ हो गई
जनाब ये बड़े कितने तकलीफ की बात है कि हम अब कह रहे हैं जब हमारी सारी सिक्योरिटी फोर्स इन प्लेस है, हम कहें कि जी हम आरंभ करेंगे, हम एक प्राइवेट जो एक नया फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसके खिलाफ जनाब तकरीबन 221 FIRs है, हम EDC के नाम पर अब कह रहे हैं कि हम जी मुसल्लह करेंगे लोगों को जो किसी कानून के दायरे में नहीं है। इसकी पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ममानत की हुई है। तो जनाब मेरा ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, श्री बिनी बगनान जो बात है, ये डिमोशन का ड्राइव जो है इसको बिल्कुल खत्म किया जाए, पहले रोक दिया जाए, और जनाब और अगर कहीं पर कुछ है तो लोगों को एक मौका फराहम किया जाए कि हर एक अपना। थैंक यू सर, बिल्कुल मौका सर। श्री बिनी बगनान, थैंक यू सर। सर आई वांट टू स्पीक इन माय मदर टंग सर।